एग्जाम्पल सो कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म एक स्पेशल टाइप का म्यूचुअलिज्म कह सकते हैं, जिसमें से एक तो बेनिफिट होता है, दूसरे को कोई बेनिफिट होता ही नहीं है। खैर ये हाइपोथेटिकल ही है। एपिफाइट्स आर स्मॉल ग्रीन प्लांट्स विच ग्रो ऑन लार्जर प्लांट्स फॉर स्पेस। रेड बिल्ड ऑक्स पैकर फीड ऑन द टिक्स स्टिकिंग ऑन द स्किन ऑफ द ब्लैक राइनोसेरस। सकरफिश अटैच इट सेल्फ अंडर सर्फेस ऑफ द सार्क। ये थर्ड वाला तो कुछ ज़्यादा ही फेमस है। बॉलिटस ग्रोइंग ऑन द रूट्स ऑफ पाइनस। अब इसमें से बताना है कि कितने, ये चार स्टेटमेंट में से कितने ऐसे हैं जो सही सही कॉमनसलिज्म को शो कर रहे हैं। सो एक्चुअली इसमें से एक सक्कर फिश हो गया और एक एपिफाइट हो गया, यानी टोटल केवल दो, बाकी तो कॉमनसलिज्म नहीं शो कर रहे हैं। नाउ 74th क्वेश्चन। इन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन अकॉर्डिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ATTCGATG, देन सीक्वेंस द बेसिस इन mRNA। ओ गॉड, तो आपको पता है कि ए रिप्लेस हो जाता है यू से mRNA में, ठीक है। कह रहा है कि mRNA में ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जितने भी टी हैं, जैसे ए का ए हो गया, ए का ए हो गया, टी टी की जगह ए की बजाय यू हो जाएगा, AUUCGA, टी की जगह फिर यू हो जाएगा जी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज एल्बिनिज्म इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम टायरोसिनेज, थ्रेओनिन डीएमिनेज, ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज, बीटा डी एन एसिटिल हेक्सोनामिनिडेज। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप जानते हैं ये टायरोसिन की वजह से होता है, इस इज टायरोसिडेज। विच वन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स GMC। दे मे चेंज द फंडामेंटल नेचर ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। ट्रांसजीन्स मे एस्केप थ्रू पोलन टू रिलीज प्लांट स्पीसीज, सॉरी थ्रू पोलन टू रिलेटेड प्लांट स्पीसीज। दे डू नॉट अफेक्ट द नॉन टारगेट इंसेक्ट। दे मे लीड टू द चेंज इन द इवोल्यूशनरी पैटर्न। तो इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा इनकरेक्ट हो सकता है, ये बताना है। एक्चुअली दे डू नॉट अफेक्ट नॉन टारगेट इंसेक्ट, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब तो बिल्कुल ट्रू हैं, ऐसा कर सकते हैं, चेंज तो ला ही सकते हैं। अगर आप जीन में चेंज करते हैं तो नेचर भी तो चेंज हो जाएगा। खैर इस पे बहुत चर्चा चल रही है, इसलिए बीटी बैंगन का बवाल काफ़ी उठा था कांग्रेस की सरकार में, यानी पिछली सरकार में। खैर जब आप इसको एक्स्ट्रा स्टडीज़ में आएंगे, थोड़ा और ब्रॉड स्टडीज़ में आएंगे, तो समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्यों गवर्नमेंट ऐसा करती है, पॉलिसीज़ अलग अलग क्यों लाती हैं। फ्लोरल फीचर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म बिकॉज फ्लावर कैन बी सेफली प्रिजर्व्ड। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव, वेजिटेटिव पार्ट्स आर नॉट प्रोमिनेंट, फ्लावर्स हैव वेरियस कलर एंड सेंट। तो अब आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है और यहाँ बस आपको समझना है कि ये क्या है। फ्लावर्स कैन बी सेफली प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व तो हम किसी को भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन उतना करेक्ट नहीं है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव, बिल्कुल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, तो एक ऑप्शन ये बनता है कि इसको ये सही है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स आर नॉट प्रोमिनेंट, नहीं ये भी गलत है, ऐसा कहीं नहीं है। फ्लावर्स हैव वेरियस कलर्स एंड सेंट, वेरियस कलर एंड सेंट तो है, लेकिन इसका हम फीचर पहचानने में नहीं कर सकते यूज़ ना, कंजर्वेशन क्यों, ये एक ही जैसा पैटर्न लगभग शो करते हैं। खैर आज हमें पता है जब मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी होने लगी है तो इससे पता चलने लगा है कि हम जिसको एक्सटर्नल फीचर मॉर्फोलॉजी देख के पहचान लेते हैं, कभी कभी वो काफ़ी डिफरेंट ग्रुप्स के होते हैं। बट अभी भी सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि मॉर्फोलॉजी देख के ही पहचाना जाए। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक इज इररिलेवेंट इन। हाइड्रोपोनिक्स, अच्छा होता क्या है,
हाइड्रोपोनिक्स एक्चुअली ऐसा सब्जी उगाने का या कुछ ऐसे फल या ऐसी क्रॉप्स उगाने का तरीका है जहाँ पे हम मिट्टी का यूज़ नहीं करते हैं, मिट्टी की जगह पानी का यूज़ करते हैं। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को पानी में डालते हैं जो उनके रूट्स से होते हुए और उनके फ्रूट के ग्रोथ में, फ्रूटिंग में हेल्प करते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे सॉइल वगैरह की कमी हो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। खैर, आजकल इससे सब्जियाँ बहुत उगाई जा रही हैं ऐसे देशों में जो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। अब भारत में भी इसका काफ़ी यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, कई जगह हो भी रहा है। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक इज इरेलीवेंट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सम वेजिटेबल्स, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर वेवलेंथ। एक्चुअली यहीं पे ये गड़बड़ है, बाकी सब तो सही है बट यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया। क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को हम करते क्या हैं कि यहाँ पे इसका एक कमरे के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं, तो वेवलेंथ तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा वेवलेंथ प्रोवाइड करते हैं। और फिर वो पिगमेंट्स जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी आपको पता है वो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, वट एवर, उनका फोटोसिस्टम अलग अलग होता है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी रखते हैं। सो डी ऑप्शन इज हियर करेक्ट, ये इररिलेवेंट है। एन एंजियोस्पर्मिक फैमिली विद ट्राई कैरपुलरी पिस्टल एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब आप लोगों ने चार पांच फैमिलीज पढ़ी थी, किसमें ट्राई कैरपुलरी पिस्टल होता है और एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन को ध्यान में रखिए, बिल्कुल एक्साइल प्लेसेंटेशन को ध्यान में रखिए, और ट्राई कैरपुलरी पिस्टल देखिए, काट के आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आपको आंसर पता चल गया होगा। ये सरसों की फैमिली होती है, इट इज सरसों नहीं, वहाँ पर रेपलम बन जाता है तो वहाँ पे नहीं होगा। तो फिर कौन सी फैमिली होगी, सोलनेसी ना, वो डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे तो दाने बनते हैं। इट इज़ लिलियेसी, यस ये है लिलियेसी, क्योंकि यहाँ पे ट्राई कार्पुलरी पिस्टल बनता है और प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है। नाउ नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन प्लांट। अब ये जो प्लांट दिया हुआ है ना, इसकी पत्तियां तो घूमी हुई हैं, कुछ बाइलोबा की तरह दिख रही हैं, फिर भी इसे देखते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट प्रेफर टू ग्रो ओनली फीमेल प्लांट एज अ मेल प्लांट, एज द मेल प्लांट गिव अनप्लेजेंट स्मेल। एंडोस्पर्म ऑफ रोस्टेड सीड इज इनएडिबल। ओव्यूल हैज थ्री लेयर्ड इंटिगमेंट, द प्लांट इज मनुसियस। सो ओव्यूल हैज थ्री लेयर्ड इंटेग्यूमेंट। देन बोगनविलिया एंड साइट्रस प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स एज एडवेंटिशियस बर्ड्स गेट मॉडिफाइड इंटू थॉर्न्स, ऑक्सिलरी बर्ड गेट मॉडिफाइड इंटू थॉर्न्स, फ्लावरिंग बर्ड्स गेट मॉडिफाइड इंटू पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, एपिकल बर्ड्स गेट मॉडिफाइड इंटू थॉर्न्स। तो नींबू के पौधे वगैरह जब हम लोग कई बार देखते हैं तो इसमें होता क्या है कि जो पौधे होते हैं, भाई अभी चल फिर तो नहीं सकते पर अपनी सुरक्षा तो करनी है एनिमल्स हैं इनको, ऑक्सिलरी बर्ड जो होते हैं ये मोटे मोटे कांटों के रूप में चेंज हो जाते हैं। सो ऑक्सिलरी बर्ड्स गेट मॉडिफाइड इंटू थॉर्न्स। व्हेन लीफ लेमिना इज इंसाइज्ड एंड इंसिजन डू नॉट टच मिड रिब, इट इज नोन एज सिंपल लीफ, हाफ कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ। सो इट इज़ वेरी ईजी, ये इसको सिंपल लीफ कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर ही ऊपर स्ट्रक्चर होता है, मिडरिप को टच नहीं करता है। देन ड्यूरिंग साइट्रिक एसिड साइकिल GTP गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेजेस। याद करिए, ऑक्सैलो से मैलेट के बीच में बनता है, या फ्यूमरेट से सक्सीनेट के बीच में बनता है, या सक्सीनेट से सक्सीनिल को एंजाइम ए के बीच में बनता है, या अल्फा कीटो ग्लिटरेट से ऑक्सैलो सक्सीनेट के बीच में बनता है। तो अगर आप स्टेजेस याद करेंगे तो जब सक्सिनिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है तो एक GTP, एक सिंगल GTP ही बनती है बस, बाकी स्टेजेस में अलग अलग FADH2, NADH2 वगैरह बनती, GTP सिर्फ एक ही बनती है और वो सक्सिनेट से सक्सिनिल कोएंजाइम के स्टेज में बनती है। नाउ 84 क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट मेनली एज नाइट्रेट एंड फाइनल रिड्यूस्ड टू द अमोनिया।
मेनली इन लीव्स, रूट्स, वेस्कुलर टिश्यू, सॉइल। मेरे ख्याल से इसका आंसर तो आप सभी को अभी पता ही चल गया होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज सॉइल। नाउ 85th क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ रिट्रोवायरस इज यूजफुल इन RDNA टेक्नोलॉजी। रिट्रोवायरस ऐसे होते हैं जो RNA से DNA बना देते हैं। दीज हैव DNA एज अ जीनेटिक मटीरियल। दीज हैव एबिलिटी टू ट्रांसफर नॉर्मल सेल इंटू कैंसरस सेल। दीज आर यूज टू डिलीवर डिजरेबल जीन इंटू द एनिमल सेल्स आफ्टर रिमूविंग देयर पैथोजेनेसिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द मेन प्रॉपर्टी इज दैट दीज आर यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इंटू द एनिमल सेल आफ्टर रिमूविंग देयर पैथोजेनेसिटी। अगर इनकी पैथोजेनेसिटी को हम हटा दें, आसानी से जीन को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्षमता है किसी के भी DNA को चेंज कर लेने की, अपने अकॉर्डिंग फंक्शन करने के लिए। विच वॉज यूज एज अ बायो वेपन इन 2001 आउट ऑफ द फॉलोइंग। 2001 में कौन सा बायो वेपन के रूप में यूज़ किया गया था? तो उस समय एक बहुत ही भयंकर, अब पता नहीं आप लोगों में से बहुत सारे लोग बर्थ में थे या नहीं थे, एंथ्रेक्स नाम की बहुत धूम मची थी। सो इट इज़ बैसिलस एंथ्रेसिस। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को चिट्ठी में भी इसे डाल के पाउडर के फॉर्म में दे दिया गया था, काफ़ी बवाल मचा था। 87 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ममेलियन ओवरी एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन। स्ट्रोमा, जर्मिनल एपिथीलियम, विटेलिन मेम्ब्रेन, ग्रेफियन फॉलिकल। अब आपको पता चल गया होगा कि ये ग्रेफियन फॉलिकल है जो कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करना शुरू कर देती है। डेट्राइटस, फूड चेन सपोर्ट, ग्रेजिंग फूड चेन बाय प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, डिकम्पोजर्स, ऑल ऑफ दिस। एक्चुअली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ये, इकोसिस्टम का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। बेलेनोग्लासेस इज अ कनेक्टिंग लिंक। अब बेलेनोग्लासेस को टंग वॉर्म या एकॉर्न वॉर्म भी कहते हैं और ये हेमिकॉर्डेट्स माने जाते हैं। तो एनेलिड मोलुस्का, नहीं। एनेलिड ऑर्थोपोडा, नहीं। नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट, हाँ। नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट, बिल्कुल, क्योंकि ये हेमी कॉर्डेटा है, यानी कॉर्डेट से ऊपर और नॉन कॉर्डेट से ऊपर और कॉर्डेट से नीचे, दोनों के बीच में कहीं। देन रूबिस्को हैज, रूबिस्को क्या है? रिबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट कार्बोक्सीडेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। मोर अफिनिटी फॉर CO2 देन फॉर O2, मोर अफिनिटी फॉर O2 देन फॉर CO2, इक्वल अफिनिटी फॉर CO2 बोथ, मतलब CO2 एंड O2, नो अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नाम में ही इसके छुपा है कि कार्बन CO2 के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी अफिनेट होगा, लेकिन CO2 के लिए ज़्यादा अफिनिटी रखता है, O2 के लिए थोड़ा कम रखता है। जब CO2 की अवेलेबिलिटी कम होने लगती है तब ये O2 के लिए वर्क करना शुरू कर देता है। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो ये 90 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आपको ज़रूर अभी जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ आ जाएंगे। एंड मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी सी मेहनत करके आपको थोड़ा सा सक्सेस होने में ज़रूर हेल्प कर दी होगी। थैंक यू वेरी मच।